और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव में उछले सबसे लेटेस्ट मुद्दे की। जो मुद्दा तो पुराना है लेकिन चुनाव शुरू होने से करीब 20 दिन पहले फिर से इसकी गूंज यूपी के सियासी आसमान में सुनाई दे रही है। हम बात कर रहे हैं कैराना की। जी हां, उत्तर प्रदेश का वही कैराना जो हिंदू कारोबारियों के पलायन को लेकर पूरे देश में सुर्खियों में आया था, आज फिर कैराना का जिक्र करना जरूरी है। कल यानी शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कैराना जाने का कार्यक्रम है, यानी अमित शाह कैराना से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनावी शंखनाद करेंगे। अमित शाह सबसे पहले कैराना के पलायन पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे, दोपहर 2:30 बजे डोर टू डोर कार्यक्रम के जरिए संवाद पीड़ित लोगों से करेंगे, यहां के बीजेपी नेताओं को जीत का मंत्र देंगे। इसके बाद अमित शाह बागपत और शामली के पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। आपको बता दें कि कैराना से बीजेपी ने पूर्व सांसद हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह को मैदान में उतारा। गृहमंत्री अमित शाह के कैराना जाने की खबर पर स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं, आप भी सुन लीजिए। हमारे गृहमंत्री हमारे कस्बे कैराना में आ रहे हैं, तो जो कुछ समस्या होगी उनका आगे समस्या भी रखेंगे, व्यापार मंडल का उनका सम्मान भी करेंगे। लोग बाबा को भाई आप लोगों के मन की बात लेने के लिए आ रहे हैं। भाई हमारा कार्यकाल कैसा रहा, कैसा नहीं, कैसा अच्छा काम रहा, नहीं मैं अच्छा रहा, गुंडों से छुटकारा मिला, अच्छी बात है। अपने शहर में घूमना चाहिए, अपने देश में घूमना चाहिए, जब तक पता लगेगा अच्छा आगा बुरा का। कैराना बीजेपी के लिए चुनाव में बड़ा मुद्दा रहा है। कैराना का महत्व इसलिए भी समझा जा सकता है कि पहले अमित शाह मथुरा से चुनाव अभियान की शुरुआत करने वाले थे, लेकिन अब वो कैराना से चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। आखिर ऐसा क्यों है, ये जानने के लिए हमें कैराना के बारे में चंद जानकारियां फिर से याद करनी होंगी। कैराना से हिंदुओं का पलायन बड़ा मुद्दा बना था। 2016 में बीजेपी सांसद हुकुम सिंह ने यह मुद्दा उठाया था। आरोप लगे थे कि बदमाशों के आतंक के कारण कैराना में हिंदू घर बेचने के लिए मजबूर हो गए थे। हुकुम सिंह ने लिस्ट जारी कर कैराना से हिंदुओं के पलायन को मुद्दा बनाया था। 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया। इसी मुद्दे पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोगों की नाराजगी सामने आई। कैराना शामली जिले का हिस्सा है। शामली और मुजफ्फरनगर जिले में 40% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। कैराना से बीजेपी को सियासी फायदा भी मिल चुका है। 2017 में यूपी में बीजेपी ने किस तरह प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई, किस तरह ध्रुवीकरण के चुनावी हथियार से बीजेपी को फायदा हुआ, हम देख चुके हैं। इस बार भी बीजेपी का सियासी मकसद यही है। आपको बताते हैं कैराना में हिंदू और मुस्लिमों की आबादी का गणित क्या है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक यूपी के शामली जिले में स्थित कैराना की कुल आबादी करीब 89,000 है। इसमें हिंदुओं की संख्या 16,320 है, जबकि मुस्लिमों की तादाद 71,863 है, यानी हिंदुओं की आबादी से 4 गुना से भी ज्यादा। साल 2013 में कैराना से करीब 55 किलोमीटर दूर यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में दंगे हुए थे। बीजेपी ने साल 2014 के लोकसभा चुनाव में इसे मुद्दा बनाया था। कहीं ना कहीं इसका फायदा भी उसको मिला था, जो 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में दिखाई भी दिया। लिहाजा अब इस बार के चुनाव में भी बीजेपी इसे मुद्दा बनाकर सियासी लाभ लेने की कोशिश में है। चुनावी मुद्दे के बाद अब बात राजनीतिक समीकरण की। राजनीतिक समीकरण का विज्ञान एक अलग तरीके का विज्ञान होता है। सत्ता के लिए हर राजनीतिक दल अलग अलग रसायन मिलाकर नए नए समीकरण बनाने की कोशिश करता है। कई बार पार्टियां पुराने समीकरण को नए स्वरूप में जमीन पर उतारने की भी कोशिश करती है। राजनीति में ऐसा ही एक समीकरण है, MY समीकरण। आमतौर पर आपने MY समीकरण का मतलब मुस्लिम यादव समीकरण सुना होगा, लेकिन इसी MY समीकरण को यूपी में कांग्रेस नए अर्थ में पेश कर रही है। इसमें M का मतलब महिला और Y का मतलब युवा है। घोषणा पत्र से लेकर टिकट बंटवारे तक प्रियंका गांधी के नेतृत्व में यूपी में कांग्रेस इस नए समीकरण और मॉडल को आगे बढ़ा रही है। राम का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ कराएंगे। न जाति, न धर्म, न जिन्ना, न कैराना, न बाटला। यूपी के सियासी संग्राम में ऐसे मुद्दों का शोर कम हो गया क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया समीकरण आ गया है, जो सारे समीकरण को बिगाड़ सकता है, जो यूपी की सत्ता का सुपरहिट फॉर्मूला साबित हो सकता है, MY समीकरण। सुनने में आपको ये चुनावी फैक्टर पुराना लग रहा होगा, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। यहाँ ना तो M का मतलब मुस्लिम है और ना ही Y का मतलब यादव। अक्षर वही है, समीकरण बदल गए हैं। नए MY समीकरण में M का मतलब महिला, Y का मतलब यूथ है। वैसे समीकरण को हर पार्टी आजमा रही है, लेकिन मैं लड़की हूँ
लड़ सकती हूं का नारा देने वाली कांग्रेस ने इसे चुनावी हथियार बना लिया है। मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। 40% टिकट महिलाओं को देने का ऐलान, आधी आबादी को केंद्र में रखकर नया घोषणा पत्र, युवाओं के लिए नया भर्ती विधान, उम्मीदवारों की लिस्ट में नए महिला और युवा चेहरों को तरजीह, 70% से ज्यादा नए चेहरे को टिकट देना, पुराने दिग्गजों का टिकट काटना, ये सब सीक्रेट सियासी समीकरण का बड़ा हिस्सा है। इसमें इस सूची में 40% महिलाएं हैं और 40% युवा भी हैं। हमें आशा है कि इनके जरिए हम एक नई उम्मीद और एक नई तरह की राजनीति प्रदेश में उभार पाएंगे। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि तमाम पार्टियां यूपी के चुनावी अखाड़े में नए सिरे से दाव आजमा रही, जिसमें नए चेहरे हैं, नए समीकरण है, सत्ता तक पहुंचने का नया प्लान है। लेकिन जनता के दिल में सियासत के इस नएपन के लिए कितना अपनापन है, ये 10 मार्च के बाद पता चलेगा। यूपी में प्रियंका गांधी कांग्रेस को मजबूत करने के लिए जिस नए फॉर्मूले पर काम कर रही हैं, वो है MY फॉर्मूला। टिकट बंटवारे में इस MY फॉर्मूले की झलक साफ साफ दिखाई देती है। ये MY फॉर्मूला मुस्लिम यादव वोट का फॉर्मूला नहीं है, ये है M से महिला और Y से यूथ वाला फॉर्मूला। प्रियंका के कांग्रेस मॉडल के फोकस में महिलाएं क्यों हैं, हम आपको बताते हैं। 2007 विधानसभा चुनाव में BSP को 32% महिलाओं का वोट मिला, समाजवादी पार्टी को 26% महिलाओं को वोट मिला, BJP को महज 16% महिलाओं का वोट मिला। नतीजा ये रहा कि सूबे में सरकार BSP की बनी। 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 31% महिलाओं ने वोट दिए, BSP को 25% महिलाओं ने वोट दिए, BJP को 14% महिलाओं ने वोट दिए। 2012 में महिलाओं की पसंद रही समाजवादी पार्टी की सरकार यूपी में बनी। 2017 में विधानसभा चुनाव में 31% महिलाओं ने BJP को वोट दिया था, BSP को 23% महिलाओं ने वोट दिया था, समाजवादी पार्टी को 20% महिलाओं ने वोट दिया था। 2017 में महिला वोट की बदौलत योगी आदित्यनाथ CM बने। एक तथ्य यह भी है कि महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले ज्यादा रहा। 2012 के विधानसभा चुनाव में पोलिंग बूथ तक जहां 59% पुरुष पहुंचे, वहीं 61% महिलाओं ने मतदान किया, यानी महिलाओं के वोट में सत्ता की कुंजी छिपी हुई है। इसलिए प्रियंका गांधी के मॉडल वाली कांग्रेस में पहला फोकस महिलाओं पर है। इसके साथ ही यूथ पर भी फोकस है। इसकी वजह यह है कि यूपी में 18 से 30 साल की उम्र के 3,89,00,000 वोटर हैं। यूपी में कुल वोटर 15,02,00,000 है। यूपी में महिला वोटर 6,46,00,000 है, यानी युवा में युवा वोटर करीब 26% है। यूपी में हर चौथा वोटर नौजवान है। इसी वोट बैंक को साधने के लिए प्रियंका गांधी ने यूपी में MY यानी महिला और यूथ का फॉर्मूला अपनाया है। इस बार युवा मतदाता बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, या फिर यूं कहें तो सत्ता की चाबी बन सकते हैं, क्योंकि साल 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में 47 ऐसी सीटें थी जहां 5,000 या उससे कम वोटों के अंतर से जीत हार का फैसला हुआ था। यूपी में पिछले 5 साल के भीतर तकरीबन 90,00,000 मतदाता बड़े हैं और बड़े मतदाताओं में 27% से ज्यादा 18 से 19 वर्ष की आयु वर्ग वाले युवा हैं। पिछले चुनाव की तुलना में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में औसतन 22,000 से ज्यादा मतदाताओं का इजाफा हुआ है। शहरी क्षेत्र वाली विधानसभा सीटों पर मतदाताओं की संख्या औसत से कहीं अधिक बढ़ी है। वहीं 18 वर्ष से 29 वर्ष के युवा मतदाताओं की हिस्सेदारी 22.93% है, मतलब 23%। आंकड़ों से बात करें तो यह संख्या करीब 3,45,00,000 है। यही वजह है कि युवा मतदाता हर किसी पार्टी के एजेंडे में है, हर किसी के फोकस पर है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।